बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ मैं, क्योंकि मैक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत आज की बात करता है, आज का ब्रांड है, आज के यूथ के साथ कनेक्टेड है, आज की फैमिलीज के साथ कनेक्टेड है। एंड जब मुझे पता चला कि हम साथ में एसोसिएट होकर कुछ कर सकते हैं, बहुत खुशी हुई। मेरे लिए एक पहला कदम है, एक नई दिशा है, नई स्टेप है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, आई एम वेरी हैप्पी। स्वप्निल रिकमेंड्स क्लोथिंग रेंज की शुरुआत हुई इन एसोसिएशन विद मैक्स, एंड बहुत बहुत खुशी है कि जी सीम्स जो कंपनी मुझे मैनेज करती है, मेरे भाई हैं कार्तिक और अर्जुन, दे गॉट दिस होल डील थ्रू, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई एम वेरी हम्बल्ड। एंड बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे दर्शकों का जिन्होंने इतना प्यार दिया और जो इतना प्यार दे रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी को ये लगा कि उनको मेरे साथ एसोसिएट होकर क्लोथिंग रेंज अनाउंस करनी चाहिए, सो वेरी वेरी हैप्पी। आपने सवाल नहीं किया व्हाई मी, आपने सवाल नहीं किया? मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल मैं रोज सुबह उठ के भगवान से करता हूँ, जब भी वो मुझे कोई खुशी देता है मैं ऊपर देख के पूछता हूँ कि व्हाई मी, मैंने ऐसा क्या किया तू इतनी खुशी दे रहा है। बट आई थिंक ही इज़ वेरी, बहुत बड़े दिल वाला है, भगवान है, तो मराठीमध्ये खूप छान म्हणतात की फक्त आपण दोन्ही हात उघडे ठेवून घ्यायचं असतं तुझे देतो ते, सो आय थिंक आय एम व्हेरी ब्लेस्ड अँड व्हेरी फॉर्च्युनेट की सच लवली थिंग्स आर हॅपनिंग टू मी। तो अभी मैं नहीं पूछता कि वाय मी, आय जस्ट प्रे की वेन इट्स मी लेट माय हेड बी ऑन माय शोल्डर्स। मंत्र है आपका फैशन मंत्र कहते हैं? हाँ, मेरे लिए फैशन मेरी स्माइल है और मेरी ईमानदारी मेरी फैशन है। बट आई थिंक हर किसी के लिए फैशन बहुत इंडिविजुअल होती है, किसी के लिए उनकी खूबसूरत आंखें उनकी फैशन हो सकती है, किसी के लिए उनके घुंघराले बाल उनकी फैशन हो सकती है, किसी के लिए उनका एटीट्यूड उनका फैशन हो सकता है। आई थिंक फैशन का अपना अपना नज़रिया है, मेरे लिए फैशन इज़ माय स्माइल, या फिर मेरे लिए फैशन इज़ अमिताभ बच्चन साहब इन ब्लैक टक्सीडो, दैट्स फैशन। आई फील वेरी फॉर्चुनेट, आई फील वेरी ग्रेट, येस वेरी वेरी फील वेरी हैप्पी। आई बी एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग इमॉडेस्ट, आई वॉन्ट से दैट येस फील लिटिल स्वैगी अबाउट इट दैट हाँ पहला मराठी सेलिब्रिटी है जो ऐसा कुछ कर रहा है, बट आई थिंक इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम एंड आई एम श्योर कि इसके बाद बहुत दरवाजे खुलेंगे और बहुत अपॉर्चुनिटीज और बहुत टैलेंट है मराठी में, एंड दिल ऑल बी एंडोर्सिंग सम ब्रांड ऑफ द अदर, बट येस आई एम द फर्स्ट वन एंड बिग थैंक यू टू मैक्स फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल एंड बिग थैंक यू टू जी सीम्स फॉर मेकिंग दिस हैपन। सो बहुत खुशी होती है एंड जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि पहला हूँ तो कोई सेट रास्ता नहीं है, रास्ता बनाते हुए आगे चलना है, बट आई एम श्योर वील डू अ ग्रेट जॉब। You also have a huge fan full flow of yours in Marathi, as well as now you feel that you know in fashion also there'll be a lot of people following you. I hope so. I think Max is extremely popular and extremely it's into our homes with their styling and their designing and I hope that with Swapnil Recommends I can carve a separate niche for myself in the fashion world as well. I'm just looking forward. Last word, what do you think about fashion? I just answered somebody that fashion for me is my smile, but fashion is extremely individual. For me, the ultimate fashion is what makes you comfortable and happy. Swapnilji, what will be your line of clothes? Swapnil Recommends, abhi we are starting with casual t-shirts and shirts and jeans and trousers and belts and shoes. But I'm sure aane wale dino mein, jaise jaise feedback badhega, I think the line is going to, the range is going to expand. And in association with Max and their designers and the top line job that they do, I think ye booklet jo abhi 10 pannon ka hai, ye 12, 14, 18, 25, 30, 40 ka bante jayega, inshallah. And I'm hoping to, sky's the limit, we've just begun, we've taken a baby step from my side. And I'm looking forward to this association. In future, we'll see Swapnil wearing Max clothes in all the movies. Yeah, absolutely. Not in all the movies, as per the requirement of the film. But yes, jahan jahan ye kapde baithte hain aur shoot hote hain, wahan of course yes. You'll see Swapnil wearing Max clothes outside the movies also. My style mantra is the smile. Just keep smiling. It keeps people guessing what makes you happy. Thank you very much, Swapnil. Thank you so much. God bless. Thank you. पहली बात प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर बोला जाए तो स्वप्निल आज के टाइम पे मराठी का सबसे नंबर वन फेस है, उनकी एक बहुत लॉयल फैन बेस है, लॉयल फैन ऑडियंस है,
जो चाहती है कि स्वप्निल को रोज़ देखे, जो चाहती है कि स्वप्निल के साथ रोज़ मिले, जो चाहती है कि स्वप्निल को रोज़ फील करे, ये अगर ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक उनकी एक ऐसी रेंज नहीं आए जहाँ पर दे आर वेयरिंग स्वप्निल, तो रोज़ स्वप्निल के कपड़े पहन रहे एंड दे फील दैट दे आर पार्ट ऑफ हिज लाइफ. तो ये एक रीज़न था वाई. पर्सनल फ्रंट पे स्वप्निल इज़ लाइक अ ब्रदर टू अस, हमारे भाई की तरह है. हम जो फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें वो पार्टनर है, हम जो टीवी शोज प्रोड्यूस करते हैं उसमें वो पार्टनर है. तो जी सीम जो कंपनी है जिसकी पूरी प्रोडक्शन विंग है उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा स्वप्निल जोशी भी है. दैट इज़ वन ऑफ द अदर पर्सन. बिल्कुल बिल्कुल. ये मैक्स के मैक्स, ये बहुत अच्छा काम मैक्स के डिज़ाइनर्स ने किया है. अमोल जो मैक्स के रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज़ पर्सनली बीन इन्वॉल्व्ड इन विद द डिज़ाइनर्स इन डिज़ाइनिंग द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. सो वो एक्चुअली उनका डिपार्टमेंट है. तो एंड वी कम्प्लीटली बिलीव देम. तो ये जो रेंज जो है वो स्वप्निल को दिखाएंगे, जो स्वप्निल को पसंद आएगा फिर वो यहाँ पे आएगा. तो फॉर एग्जांपल अगर उसको 20 टी शर्ट दिखाएंगे तो उसमें से 15 जो स्वप्निल को पसंद आते हैं वो फिर वो रेंज में आएंगे. दैट इज़ वाई इसका है स्वप्निल रेकमेंड्स, कि ये स्वप्निल आपको बता रहा है कि ये मेरा चॉइस है, आपको अच्छा लगता है तो आप भी ये पहनेंगे. ये मास के लिए, ये जो ब्रांड जो है ना, दोनों ब्रांड्स मास ब्रांड्स है. अगर आप देखोगे तो स्वप्निल भी मास ब्रांड है, ही इज़ द बॉय नेक्स्ट डोर, सबको पसंद आता है. और मैक्स का भी ऐसा है, स्टाइल में नंबर वन है और पैसे में एकदम अफोर्डेबल है. इट्स अ अफोर्डेबल ब्रांड, इसलिए इट इज़ अ परफेक्ट फिट दोनों का, स्वप्निल का और मैक्स का. थैंक यू सो मच. थैंक यू.